नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में 19 और 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र पर 2 दिवसीय वृहद प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग के सौजन्य से डीएवी इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, पूर्व विधायक प्रमोद उठवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, जिला मंत्री सुधीर कटिक सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा ही सप्ताह पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी प्रकार से 17 सितंबर को रक्तदान दिवस, 18 तारीख को स्वास्थ्य मेला और आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगी है और 17, 18, 19 तीन दिन लगातार ये प्रदर्शनी लग रही है और भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश सभी जगह प्रदर्शनी है। और इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया, क्या प्रधानमंत्री जी के और अब तक के उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का उनका काम रहा है, उनके बचपन से अभी तक के सब शुरू से लगाकर अब तक के सभी उनके फोटो हैं, उनकी यहाँ लगाए गए हैं। प्रदर्शनी को सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जनता मोदी जी के राजनीतिक जीवन के 20 वर्ष हुए हैं, 12 साल मुख्यमंत्री और 8 वर्ष अब प्रधानमंत्री। 20 वर्ष के काल में जिस प्रकार से मोदी जी का काम रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, धारा 370 समाप्त हुई है और आजादी के बाद आज तक शौचालय के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। प्रत्येक गांव में घर घर तक जहां शौचालय नहीं था वहां शौचालय बन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं, जनधन के खाते खुले हैं, अनेकों प्रधानमंत्री जी के बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा चल रही हैं, उन सबका लाभ सबको मिले।